मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप खुश हो जाओगे, कितनी चोरी होती थी, कैसे कैसे पैसों को लोग मार लेते थे, कैसे चोरी करते थे, गरीब के हक का कैसे लूट लिया जाता था। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सही हकदार है अब उसी को पैसा मिलना शुरू हुआ है। जो बिचौलिए थे उनकी बादवाकी हो गई है। बिचौलिए हटाओ, ये अभियान हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और उसका परिणाम क्या है पता है? 57,000 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने से हकदार के पास पहुंचने से पहले चोरी हो जाता था, वो सारे 57,000 करोड़ रुपया हमने बचा लिया है जो हकदार लोगों के लिए पहुंचाया जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, ये 57,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था अब उनके जेब में जाना बंद हो गया, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी दलाली बंद हो गई। अब ऐसे लोग मोदी को प्यार करेंगे क्या? करेंगे क्या? मोदी पे गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? जहां मौका मिले तब मोदी पे वार करेंगे या नहीं करेंगे? ये जो दिन रात मोदी पे हमले जो हो रहे हैं ना, उसका कारण ये नहीं है कि मैंने देश का कोई नुकसान किया है, इसका कारण ये है कि उनके और उनके चेले चपाटों का मैंने भारी नुकसान किया है।